ये देखिए, ये निकल के आया बाहर। स्वीट सेसमी कुकीज है, ग्राउंडेड कुकीज है, चॉकलेट चिप कुकीज, इधर में सारा कुछ ताज़ा बनता है, फ्रेशली बेक होता है, फ्रेशली बेक होता है। तो लिया उसके ऊपर इन्होंने भैया पीनट्स मूंगफली लगाई और इसका डो तैयार है। देश की गलियों में घूमते घूमते बाजारों से आगे निकलते निकलते छोटा सा प्यारा सा कार्ड दिखाई दिया जहाँ पे बन रही है नान कटाई। सबसे पहले चेक करिए भैया, जय गंगे भैया की। जय गंगे भैया। तो भैया इस छोटे से प्यारे से कार्ड पे क्या जायका दे रहे हैं लोगों तक, तो ऋषिकेश में क्या पहुँचाएं, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। नान कटाई बिस्किट है कुकीज टाइप में, हमारे पास 3 फ्लेवर होता है। 3 फ्लेवर होते हैं, अच्छा। सारा कुछ ताज़ा बनता है, फ्रेशली बेक होता है, फ्रेशली बेक होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भैया स्पेशली बेक नान कटाई को तैयार करते हैं। और कौन कौन से फ्लेवर्स बता रहे थे भैया मेरे को? स्वीट सेसमी कुकीज़ है, ग्राउंडेड कुकीज़ है, चॉकलेट चिप कुकीज़। जो आपकी ये नान कटाई होती है वो किस चीज़ से तैयार होती है, क्या क्या प्रोसेस रहता है इसमें? सर जी, सूजी है, बेसन है, घी है, तिल है, इलायची है, चीनी है। ये चार चीज़ों के जायके से ये खूबसूरत जायका बाहर निकल के आता है। ये देखिए यहाँ पे भैया इसको स्टार्ट करें, आप यहाँ पे आप पे मेकिंग देखिए भैया इसकी। आप ये देखिए भैया यहाँ पे नान कटाई के छोटे छोटे डो लगा रहे हैं, ये देखिए हाथ में इसका डो लिया, उसके ऊपर इन्होंने भैया पीनट्स मूंगफली लगाई और इसका डो तैयार है। और उसके बाद ये छोटे से प्यारे से जो भैया ने ओवन बना रखा है इसमें जाता है और लास्ट तक जायका आप तक पहुँचता है। ये देखिए, ये निकल के आया बाहर। का रेट क्या रहने वाला है? 400 रुपीज़ kg है। 400 झूले के पास में छोटी वाले नियर में है। तो लोकेशन की बात करूँ तो आप छोटी वाला रेस्टोरेंट से थोड़ा सा आगे आएंगे, चलते चलते भैया आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बेकरी ऑन द व्हील के नाम से। और भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है। वो जो भैया ने मेरे को फ्लेवर टेस्ट करने के लिए दिया है वो है सेसमे वाला। आप देखिए सबसे ऊपर सेसमे सीड्स लगी हुई है। वाह, अगर मैं टेस्ट की बात करूँ बहुत ही बेहतरीन टेस्ट, सुपर क्रंची है जो इसके ऊपर सेसमे सीड्स लगे हैं, इसको तिल भी बोलते हैं, बहुत बेहतर लग रहा है, क्रंचीनेस है, बहुत सुपर क्वालिटी है। आप भी कभी यहाँ पे आए ऋषिकेश में तो हाईली रिकमेंडेड, यहाँ पे आके ज़रूर ज़रूर इस नान कटाई को टेस्ट करें।